हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम ये सीख रहे हैं कि स्मार्ट लर्निंग कैसे की जाए, आसानी से इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को कैसे रिटेन किया जाए, याद रखा जाए, रिमेम्बर किया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के फैक्ट्स कैसे याद रखें वो देखते हैं। चौरी चौरा के इंसिडेंट ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। गांधी जी को मजबूर किया कि वो ये डिक्लेयर करें, ऐलान करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, क्योंकि इतना वायलेंस हुआ। इसके ऊपर दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे याद रखें वो देखते हैं। How many policemen were killed? यदि मैं आपसे पूछूं कि ये नाम किस एक नंबर की याद दिलाता है आपको, ए नामटा कौन नंबरेर कथा मोने को राय अपना के, तो आप कौन सा नंबर बताएंगे? चौरी चौरा, चौर चौर, कौन सा नंबर याद आता है हिंदी में या बंगला में? एक, दो, तीन, चार, चार। अब देखिए, हमको नंबर चाहिए चार, और ये दो बार रिपीट हुआ, यहां भी चार, यहां भी चार। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो हमको चार दे, लेकिन दो बार रिपीट होने के बाद चार दे। दो बार क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि ये दो बार रिपीट है, और नंबर क्या है? चार। तो चार नंबर दो बार रिपीट होके होगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, बात एक ही है, एक ही आंसर है। दो, एक ही ऐसा नंबर है जो दो बार रिपीट होने के बाद हमको चार देगा, वो कौन सा नंबर है? वो है टू। इसलिए हमारा आंसर है 22। मैं आपको यह बता दूं कि यह क्वेश्चन टीसीएस टीपीएस में आया था, 2016-17 के आसपास कोई ईयर होगा, देख के बताना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए। ये क्वेश्चंस एसएससी में और इस तरह के एग्जाम्स में, टेट वगैरह में काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, चौरी चौरा हैपेंड ऑन विच डेट, ये किस डेट में हुआ? हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत डेट्स हैं, कैसे याद रखेंगे आप? पढ़ तो लेंगे आप, यही टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं। ये नाम हमको किस नंबर की याद दिलाता है? हमने देखा वो नंबर है चार। हमने ये भी देखा कि ये नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब चार हमको चाहिए दो नंबर के रिपीट होने के बाद।
तो हमारे नंबर्स जो चौरी चौरा से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है वो एक है चार, दूसरा है 22, क्योंकि 2+2 हमको देगा 4 या 2 × 2 हमको देगा 4, इसलिए डेट ये है। और इसको हम नंबर्स में लिखें तो आप देखिए 4, 2, 22। यदि अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा।